राधिका, राधिका। जी मम्मी जी। अरे सुन रही हूँ क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ? जी माँ जी। दोपहर का खाना बना दिया? जी मम्मी जी, दाल चावल सब्जी रोटी सब बना दिया। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। एक काम कर, थोड़ी खिचड़ी बना दे। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो जा, फिर तुझे ऑफिस भी जाना है। जी। जब तक खुद से कुछ ना कहो, मैडम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब क्या हुआ? तू तो चुप ही रह, सब तेरी कमी है। इतनी छूट दे रखी है, हर छोटी छोटी बात पे मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी, वो खिचड़ी बना दी है, मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक है। और सुन, शाम को पैसे लेकर आना। जी, याद से। अभी तक आई नहीं महारानी? आ जाएगी माँ। अरे रोज का हो गया मैडम जी का, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो फिर मुझे मत कहना। लो आ गई। वो मम्मी जी, कुछ काम आ गया था ऑफिस में। बेवकूफ समझती है, जॉब करने दे रहे तुझे तो उसका फायदा उठा रही है। नहीं मम्मी जी, सब कुछ ठीक है। ठीक है, जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लग रही है। और सुन, मसाला कम रखना, बीपी की शिकायत होने लगी है। और पैसे लाई क्या? जी। कितने हैं? 20,000। चल जा। ले, याद से कल मेरे अकाउंट में डलवा देना। जी। लेट कैसे हो? कुछ नहीं, वो कॉलेज में प्रमोशन मिला था तो कलीग्स केक वगैरह लेकर आए थे। प्रमोशन तुम्हें? क्या हुआ, प्रमोशन से खुश नहीं? आप तो जानते हो ना, मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ। रेस्टोरेंट फिर से शुरू हो गया तुम्हारा? हाँ, कितनी बार कहा है कि हम वर्किंग क्लास लोग हैं, बिजनेस हमारे बस की बात नहीं। जॉब बहुत हो गया नीलेश, प्लीज समझने की कोशिश करो। अभी नहीं किया ना तो कभी नहीं कर पाऊंगी। बेवकूफों वाली बातें मत करो, मारे मुझे देखो। दिन भर मेहनत करने के बाद मुझे प्रमोशन नहीं मिलता, तुम्हें मिला है, कम से कम उसकी कद्र करो। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। हर वक्त ये किस्मत के ताने मत दिया करो, बहुत मेहनत करती हूँ मैं, कभी तो मेरा हौसला बढ़ा सकते हो। वही करना, लेकिन ये रेस्टोरेंट का ख्याल अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। तुम्हारे पापा ने भी बिजनेस शुरू किया था, गारमेंट का, क्या हुआ, कितना नुकसान झेलना पड़ा उन्हें। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारी माँ की, और रोशनी वो तो अभी तक पढ़ रही है। तुम ये सब में मेरे पापा को बीच में मत लेकर आओ। नहीं लेकर आऊंगा, लेकिन कम से कम कुछ अच्छा तो सीख सकती हूँ उनसे, या वो भी नहीं। हर वक्त रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट।
नीलेश प्लीज आज मेरा मूड नहीं है। सॉरी, आगे से गलती नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, कल डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, डॉक्टर का कॉल आया था, आपके टेस्ट दोबारा से करने होंगे। मेरे रिपोर्ट्स तो क्लियर है। तुम कह रहे क्या चाहती हो? क्या दिक्कत मेरे अंदर है इसलिए मैं बाप नहीं बन सकता? मैंने ऐसा कब कहा? और तुम डॉक्टर की बात सुनते ही इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? तुम्हारी फैमिली पीछे पड़ी है, बच्चा कर लो। मुझे भी अपने करियर पे, अपने गोल पर फोकस करना है। डॉक्टर सही नहीं है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मम्मी जी कुछ चाहिए क्या? अरे, दया भैया के घर जाना है, मोनू का लड़का हुआ है ना, तो नामकरण है। ये कैसी रहेगी? अच्छी है, तो यही पहन लेती हूँ। राधिका, ये 23,000 तुमने कहाँ खर्च किए? वो मनु का बर्थडे आ रहा है तो उसे फोन दिलवाया। तो इतना महंगा गिफ्ट, कोई सस्ता गिफ्ट दे देती। और मनु तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है, हमारी खुद की भी जिम्मेदारियां हैं, खुद के खर्चे हैं, रोशनी की फीस जानी है। हम मम्मी कितना करते हैं हमारे लिए, कभी तो देना होता है ना। हाँ, वो सब ठीक है, मुझसे पूछ तो लिया होता, पति हूँ मैं तुम्हारा। आज के बाद किसी को भी कुछ देने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना, समझी? कोई बात है? नेहा, अब मुझसे और इंतजार नहीं किया जाता। मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या हुआ? तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बोलो ना। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए विक्रांत। परेशान मत हो, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे भी तुम्ही से शादी करनी है। नेहा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं पहले भी धोखा खा चुका हूँ। राधिका मुझे बिना बताए मुझे छोड़कर चली गई थी, और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, प्लीज समझो। मैं राधिका नहीं हूँ, पता है तुम्हारे लिए भरोसा करना बहुत मुश्किल है, पर हर बार तुम हमारे बीच में राधिका को।
विक्रांत, मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें राधिका से मिलना चाहिए। और तुम भी तो कह रहे थे ना। नहीं मिलना मुझे। मिलना जरूरी है। राधिका के चले जाने की जरूर कोई वजह होगी। इस तरह से उसे ब्लेम करना ठीक नहीं। एक बार मिलो, बात करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। शायद उसके बाद तुम लोगों पर भरोसा कर पाओ। चलो अब मैं चलती हूँ, माँ वेट कर रही होगी। थोड़ी देर और रुक जाना। कल मिलती हूँ। बहू, खाना बन गया? जी माँ जी। बहुत थकान हो रही है, जा फटाफट पानी लेकर आ। भैया भाभी कितने खुश नजर आ रहे थे। पोता जो हुआ है, राकेश से कुछ सीख। 2 साल छोटा है तुझसे। पहली बीवी सही नहीं मिली तो उसे तलाक देकर फटाफट दूसरी शादी कर ली, और शादी को भी साल भर भी नहीं हुए और बच्चा भी हो गया। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। अरे तू उससे ही चिपका रहेगा क्या? भैया बता रहे थे कि एक लड़की देखी है, तू बोले तो मैं बात करूं। हाँ धीरे बात करूं, राधिका सुन लेगी। हाँ हाँ हाँ, तू बस उसकी पल्लू से चिपका रहे। चोरू का गुलाम बन गया है। मैं कुछ भी कभी भी शुरू हो जाती है। अरे बुढ़ापे में पोता पोती का सुख भी नसीब ना हो क्या? कहाँ जा रही है? ये पकड़। रसोई का काम तो खत्म हो गया ना? मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे, दबा दे फटाफट। अरे ढंग से दबा। राधिका प्लीज, अरे सही से फोटो खिंचवाओ ना। अरे फोटो खराब आ रही है, मजाक मत करो। अच्छा ठीक है, अभी खींचो। अच्छा सर, ठीक है तुम करते रहो। नहीं नहीं तुम जाओ, मैं नहीं फोटो खींचूंगा, फिर बोलती रहना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ना पिक्चर्स किसी और से क्लिक करवा लेती हूँ, बाद में मुझे कुछ मत कहना। बोलो मंजूर है? किसी और से फोटो तो क्या, तुम्हें किसी और को देखने मिलने दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, अब एक अच्छे से पिक्चर लो जल्दी, टीवी चेंज करने बहुत वक्त हो गया। कम ऑन। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा सा पोज़ दे। बिल्कुल। 1, 2 and 3। तुम ना ऐसे नहीं मानोगे तुम।
माँ जी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कुछ भी तो नहीं। डाइवोर्स लेने को कह रही थी, सुना मैंने। मजाक में कह दिया होगा। तुम लोगों के माँ के पीछे पड़ जाती हो। मैं उनके पीछे पड़ी रहती हूँ या वो मेरे पीछे पड़ी रहती है? पता नहीं क्या दिक्कत है मुझसे। और मैं जानती हूँ कि वो बात मजाक नहीं थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए, अपने ड्रीम तक छोड़ दिए। तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? मतलब उन्होंने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं था। तुम्हारी आदत हो गई बातों को पकड़ के खींचने की। क्या करोगी हा? इस बात को यहीं खत्म कर दो या फिर माँ को फांसी दोगी? नहीं, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। जब देखो तब बचा कर लो, बचा कर लो। जाकर कहूं मैं उनसे, मुझ में कोई कमी नहीं है। कमी आपके इस बेटे में जो डॉक्टर के पास जाने तक को तैयार नहीं है। जुबान ज्यादा नहीं चल रही तुम्हारी। माँ सही कहती है, ये सब मेरी लापरवाही। आज के बाद दोबारा अगर तुमने कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आवाज वो गला खराब है। दमाजी ठीक है? नहीं माँ, कुछ नहीं। तुमसे कहूंगी तो तुम भी तो वही कहोगी ना, पति पत्नी के बीच ऐसे झगड़े होते रहते हैं, एडजस्ट कर लो। जब सुनना नहीं है तो फिर पूछती क्यों हो? बाय। नीलेश, तू यहाँ सोएगा? हाँ, वो अंदर नींद नहीं आ रही। सब पता है मुझे, वो खुद को बहुत बड़ी महारानी समझती है। बस भी करो माँ, जाइए अब सो जाइए, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। जा रही हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है वो सोचना जरूर। ठीक है माँ, जाइए। रात का मैसेज। विक्रांत, घर वाले नहीं मान रहे। मैंने बहुत कोशिश की, आज तो बहुत मुश्किल से मिलने आई हूँ। बहुत सवाल करने लगे। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा राधिका। हम मैं भी विक्रांत, लेकिन चलो हम भाग चलते हैं। अब शादी कर लेंगे मंदिर में जाके, बाद में सबको मना लेंगे। मैं मनाऊंगा। मैं नहीं भाग सकती विक्रांत, घर पे मेरी दो छोटी बहनें हैं। मेरे पास उनका क्या होगा? एक बार आप बात करके देखो ना प्लीज।
मम्मी जी मैंने सारे काम कर दिए, खाना भी बना कर रख दिया है, आप प्लीज खा लीजिएगा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बस बस, पता है तेरे दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है, ये ढोंग कहीं और जाके क्या कर तू, अब थोड़ी इज्जत और फिक्र पति की भी कर लिया कर। मम्मी जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? इसलिए बोल रही हूँ कि नीलेश के कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, अच्छी पत्नी बनने की कोशिश किया कर। पता नहीं किस घड़ी में इस मनहूस को मैं इस घर में लेकर आई थी, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अब जा यहां से। हेलो, राधिका तुम बता नहीं सकता। अच्छा कि तुमने फोन किया, आवाज पहचान गए तुम? क्यों नहीं पहचानूंगा, कैसे तुम कहाँ हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो और शादी कर रहे हो? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वैसे लड़की कौन है और कहाँ मिली? वो नेहा, साथ में काम करते हैं। इनविटेशन देने मैसेज किया था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो राधिका मिलोगे मुझसे? प्लीज मना मत करना, मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। तुम बिना बताए बिना कुछ कहीं हूँ चली गई, तो प्लीज सिर्फ एक बार। बिना बताए गायब होने के लिए आई एम रियली सॉरी राधिका, प्लीज एक बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करो। ठीक है, लेकिन मुझे नेहा से भी मिलना है। हाँ, मैं लेकर आऊंगा ना उसे साथ में। थैंक यू। ठीक है, मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। क्या लोगी, चाय कॉफी? अरे पर बात क्या है? अरे भाई कुछ भी नहीं है, तुम बस बोलो क्या लोगी, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक? अब मैं कॉफी लेके आता हूँ। तुम कह रहे हो कुछ नहीं? जनाब चेहरे से खुशी भर भर के टपक रही है। पागल हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम बैठो, मैं कॉफी लेके आता हूँ। क्या कहा राधिका ने, आएगी मिलने? अरे वाह, पर खबरदार राधिका से मिलने के बाद मुझे मत भूल जाना, वरना। वरना क्या? वरना जान से मार दूंगी। सच में? सच। तुम भी राधिका से मिलो ना, वो भी तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें मिलके बहुत अच्छा लगेगा, सच में। नहीं अभी तुम मिल लो, इतने टाइम बाद मिल रहे हो तुम लोग, बहुत सारी बातें होंगी करने के लिए, मैं किसी और दिन मिल लूंगी। सच में? आप सोच लो, फिर बाद में शिकायत का मौका मत देना, और जलन वो तो थोड़ी होगी। हाँ थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा।
विक्रांत मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने बिना बताए तुम्हें छोड़कर चली गई। I'm really sorry. शादी कर रही हो ये भी बता सकते थे। हिम्मत ही नहीं हुई विक्रांत, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन यकीन मानो ऐसा एक भी दिन नहीं था जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती थी। तुम आई हो वही मेरे लिए काफी है। हम दोनों साथ कितने खुश थे ना, मैंने मम्मी पापा को आखिरी तक मनाने की बहुत कोशिश की विक्रांत, लेकिन वो लोग नहीं माने। खुल जाओ राधिका, मैं और नेहा अपनी जिंदगी में खुश है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छी है। अब तुम्हारी शादी कैसे चल रही है? बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताओ ना। निलेश बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है। तुम कैसे सपोर्ट करते थे, साथ देते थे, अब सब याद आता है। जॉब कैसी चल रही है? सेम कंपनी में काम कर रही हो तुम? तो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी ना। हम अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, भूल गए विक्रांत? नहीं भूला नहीं मैम, सब याद है मुझे। इनफैक्ट मैं अभी भी तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। नहीं अब नहीं हो सकता। लेकिन क्यों, तुम काबिल हो, तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, तुम बस हाँ बोल दो। निलेश नहीं मानेंगे, और पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, तुम बस हाँ बोल दो एक बार। अच्छा ये सब छोड़ो, नेहा के बारे में बताओ ना, मुझे नेहा के बारे में जानना है। अरे इतना शर्मा, देखो बातों बातों में पता ही नहीं चला, इतना लेट हो गया, अब मुझे चलना होगा। अब थोड़ी देर और रुक जा, फिर किसी दिन, और नेहा से भी तो मिलना है ना, घर में मेरे पति और मेरी सासू माँ मेरा वेट कर रहे होंगे। ठीक है मैं छोड़ दूँ? नहीं मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। राधिका के लिए परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कुछ करो। और रेस्टोरेंट का सपना तुम्हारा भी तो था ना। हाँ लेकिन नेहा। लेकिन क्या, तुम दोनों की शादी नहीं हो पाई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब तुम दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी नहीं बन सकते? तुम समझ नहीं रही हो राधिका। राधिका क्या, अब मौका मिल रहा है तो हमें उसकी मदद करनी होगी। लेकिन निलेश उसकी सास और बाकी सब। तुम उसकी चिंता क्यों करते हो, वो राधिका संभाल लेगी, लेकिन पहले हमें उसे भरोसा दिलाना होगा कि हम उसके साथ हैं, समझे? और तुम्हें राधिका से कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं मुझे तुम पे पूरा भरोसा है विक्रांत, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। नहीं हाँ
नीलेश, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी मां बोलिए। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए रोशनी के पास चली जाऊं, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। ऐसे देख क्या रहा है? तुझे तो छोटी बहन की कोई चिंता है नहीं, याद है अगले महीने उसकी फीस भी भरनी है। याद है मां, बेकार की टेंशन मत लिया करो, टाइम से भर दूंगा। भर दूंगा? पिछली बार की तरह लेट नहीं होनी चाहिए, तारीख से पहले भर देना, परेशान हो जाती है बिचारी। तेरे पापा होते तो मुझे रोशनी की इतनी चिंता नहीं होती। और हाँ, अगले सोमवार की टिकट करवा देना याद से। जी। विक्रांत तुम्हारे बारे में बहुत कम तारीफ करता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और समझदार हो। यही बात मैं आपके लिए भी बोल सकती हूँ, आप नहीं तुम, हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं, क्यों नहीं? तो फ्रेंड्स, फ्रेंड विक्रांत रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सीरियस है, हमेशा बात करते रहता है। प्लीज मान जाओ ना, शायद किस्मत इसी तरह हम लोगों को साथ में लाना चाहती है। दरअसल मेरे पति नहीं मानेंगे। एक बार बात तो करके देखो, कोशिश करने में क्या जाता है। प्लीज करोगी ना मेरे लिए? ये हुई ना बात, चलो अब कॉफी पिए। कल तक डिलीवरी हो जाएगी सर? जी जी हाँ, मैंने मैसेज कर दिया था उनको। हाँ सॉरी थोड़ा लेट हो गया। जी जी ठीक है, ओके। वो मुझे एक बात करनी थी। बोल। फिर से डॉक्टर चेकअप शुरू मत कर देना। नहीं कुछ और बात है। क्या बात है? मेरे दो दोस्त है नेहा और विक्रांत, वो मेरे रेस्टोरेंट वाले बिजनेस में पार्टनर बनने में बहुत इंटरेस्टेड है, पैसे लगाने को भी रेडी है। अगर तुम पहले तो कभी नाम नहीं सुना। मैंने शादी से पहले बताया था ना, मेरा बॉयफ्रेंड विक्रांत जिससे मैं शादी करना चाहती थी। याद आया, शादी के लिए मम्मी पापा ने मना कर दिया था, है ना? इतने टाइम बाद ये वापस कहाँ से आ गए? वो सोशल मीडिया पे हम फिर से कनेक्ट हुए, नेहा उसके मंगेतर है, मैं उन दोनों से मिली हूँ, दोनों रेस्टोरेंट वाले बिजनेस के लिए बहुत सीरियस है। तो मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है? क्या सब? मतलब ये कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलिया मना रही हो, पागल समझती हो मुझे? गलत समझ रहे हो नीलेश। क्या गलत समझ रहा हूँ? ये रेस्टोरेंट के ख्याल को अपने दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दो और दोनों से दूर रहो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या डाल रहे हैं वो लोग। वैसे नहीं है। कैसे हैं मैं सब जानता हूँ, घर और जॉब पर ध्यान दो, समझी? अरे जल्दी करो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। बैग उठा। और हाँ घर का ध्यान रखना, जल्दी लौट आऊंगी। जी जी बस बस ठीक है, चलो। यार ये कहाँ रह गई यार ये? अरे आती होगी। क्या आती होगी? कुछ काम आ गया होगा बाबा। और फिर आज उसकी सास भी तो जा रही है ननंद के पास में। अरे पर इतना लेट टाइम। लो आ गए। अरे राधिका। हेलो कैसी हो? हाय सॉरी आने में थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं। ठीक है नीलेश ने क्या कहा, वो मान गए रेस्टोरेंट खोलने के लिए? अरे बैठने तो दो उसे। अरे हाँ बट तुम बैठो अब बताओ। बोलो ना क्या कहा नीलेश ने, मान गया ना वो? नीलेश ने मना कर दिया, वो नहीं चाहता कि हम सब साथ में काम करें और बहुत
भला बुरा कहा उन्होंने? अरे ऐसे कैसे, अगर उसे कोई परेशानी दिक्कत है तो हम बात करके उसे समझा सकते हैं ना, क्यों विक्रांत? बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, मैं नीलेश से बात करूंगी, हम सब उसे समझाने की कोशिश करेंगे, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। तुम प्लीज रहने दो, नीलेश को बहुत गुस्सा आता है, वो बुरा भला कह देंगे तुमसे मुझे। तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। हम आज शाम नीलेश को मिलने के लिए आएंगे, मैं और नेहा, उसे मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा यकीन है वो मान जाए। हाँ तुम चिंता मत करो। आजकल आपके जैसा पत्नी को समझने वाला पति बहुत खुश नसीबी से मिलता है। राधिका बहुत तारीफ करती है आपकी। मैंने ही माँ से कहा था कि राधिका को जॉब करने दो, तो इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई इंसान घर थोड़ी ना बैठेगा। बिल्कुल ठीक कहा। तो इसका मतलब राधिका के रेस्टोरेंट के प्लान के बारे में आपको पता होगा? हाँ कुछ कुछ। मैं, विक्रांत और राधिका साथ में रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, दोस्ती के साथ साथ लाइफ में भी तरक्की हो जाएगी। क्यों? मैं तो हमेशा से राधिका को सपोर्ट करता हूँ, और इनफैक्ट इसे तो अभी प्रमोशन भी मिला है। तो इसका मतलब राधिका के रेस्टोरेंट के प्लान को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत कैसी, हम प्लान कर सकते हैं। खुश तो ना, तुम्हारा रेस्टोरेंट का सपना पूरा होने वाला है। नेहा भी वैसे बहुत समझदार है और विक्रांत भी लकी है। देखो तुम रेस्टोरेंट ओपन करने जा रही हो, एक बार अगर किसी काम को शुरू कर लोगे तो फिर पीछे हटना मुश्किल होगा, इसलिए सोच लो एक बार। सब अच्छा होगा, तुम प्लीज टेंशन मत लो। एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो नीलेश, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे कितने? और तुम तो जानती हो कि हाँ, लेकिन ससुर जी के ऑपरेशन के लिए मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे, और तुमने मुझसे कहा था हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे आते ही दे दूंगा। 2 साल हो गए, वो पैसे मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए बचाए थे। राधिका पैसे तो आ गए थे, और वो पैसे मैंने रोशनी की शादी के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिए। रेस्टोरेंट सेट करना है, इतने खर्चे कहाँ से मैनेज हो पाएगा? तुम भी जानती हो ना कि इतनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, लेकिन मैं तुम्हें रेस्टोरेंट की परमिशन तो दे रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारे रेस्टोरेंट का रेंट मैं भर दिया करूंगा, इससे मेरे ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा और तुम्हारे ऊपर भी। हेलो। हाँ विक्रांत, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, तुम सुनकर खुश हो जाओगी। बताओ। मार्केट में एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिला है। मेरी कल ही ओनर से बात हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा है और
वो कह रहा था कि वहाँ पे बहुत कस्टमर्स आते थे। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस अभी नहीं, वो मैंने और नेहा ने तो जगह देख ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम भी एक बार रेस्टोरेंट को देख लो, फिर हम जगह फाइनल कर देंगे। तुम दोनों को कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, काफी कस्टमर्स भी आ रहे थे वहाँ पे। तो बस मेरे देखने की क्या जरूरत है, वैसे भी रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट तो तुम दोनों को संभालना है, मुझे तो बस किचन में इंटरेस्ट है। तुम फाइनल कर दो। पक्का? पक्का। ठीक है, तो फिर मैं ओनर से बात कर लेता हूँ और उसे आज ही एडवांस लेकर आता हूँ। वैसे कितना देना है? यही कोई 70,000। रेंट में पे कर दूंगी, बाकी तुम देख लेना। ठीक है, फिर मैं तुम्हें ओनर की बैंक डिटेल्स फॉरवर्ड करता हूँ, याद से आज शाम को उसे पैसे ट्रांसफर कर देना, वरना जगह हाथ से चले ना जाए। ठीक है बाबा, तुम टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर। क्या हुआ, बहुत कुछ नजर आ रही? किसका फोन? विक्रांत का। एक बहुत अच्छी न्यूज है, कोई अपना चलता हुआ रेस्टोरेंट किराए पर देना चाहता है, मार्केट की जगह है। क्या हुआ, तुम सुनकर खुश नहीं लग रहे? तुम्हें मेरी खुशी की कब से ऐसे चिंता होने लगी है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? अपना कल वाला वादा याद है ना, शाम तक ओनर को 70,000 ट्रांसफर करने होंगे। हाँ याद है। शाम तक कर दोगे ना? कहाँ ना कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको ओनर के बैंक डिटेल्स मैसेज कर देती हूँ, प्लीज शाम तक कर देना, वरना जगह हाथ से चली जाएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। एक ही बात को बार बार बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है ना, कहा कर दूंगा तो कर दूंगा। निलेश, तुमने ओनर को पैसे ट्रांसफर कर दिए क्या? निलेश, मैं कुछ पूछ रही हूँ। कर दिए, क्या जान लोगी अब? विक्रांत आओ ना अंदर, बैठो। क्या हुआ, परेशान नजर आ रहे हो, कुछ हुआ क्या? देखो, वो रेस्टोरेंट हमारे हाथ से चला गया। क्या? उन्हें को पैसे ट्रांसफर नहीं हुए थे। निलेश, आपने पैसे ट्रांसफर किए थे ना? वो एक्चुअली मेरे दिमाग से तुमने मुझसे झूठ खा, तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी जगह हाथ से चली गई। तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, दूसरी मिल जाएगी ना? नहीं करने थे तो कह देते, मैं कर देती ट्रांसफर। मैंने कहा ना कि दूसरी मिल जाएगी, तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तमाशा मैंने, तमाशा तो तुम कर चुके हो। बस जुबान नहीं चलने लगी तुम्हारी, अभी तुम्हारी जुबान को ठिकाने लगाता हूं। पता था रेस्टोरेंट की आड़ में तुम लोग मेरी आंखों में धूल रोकने की कोशिश कर रहे हो। दरअसल तुम दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहने में ना अब शर्म आने लगी है। मेरे साथ रहने में तुम्हें शर्म आने लगी है? तुम्हें पूरी जिंदगी भर मेरे साथ रहना है, ये तो चला जाएगा, उसके बाद? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, फैसला हो चुका है। जैसे झूठे और छोटी सोच वाले आदमी के साथ ना अब मुझे नहीं रहना। तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? हाँ। अभी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। निलेश, बोला था तुम नदी का भी हाथ नहीं उठा सकते। तूने मेरा हाथ पकड़ा था, दूर होके बात कर। निलेश। क्या निलेश? बात समझ आराम से। क्या बात समझू, मारेगा? निलेश आना, मार। निलेश बात समझ। मैंने कहा कि मार। निलेश क्या कर रहे हो? निलेश हाथ लगा ना। निलेश राधिका, निलेश राधिका, तुम ठीक हो? निलेश 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 क्या करें, डॉक्टर डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर को कॉल करो, डॉक्टर कॉल करो जल्दी। विक्रांत
तुम्हें जाना होगा, तुम जाओ यहाँ से। तो पागल हो गई हो? डॉक्टर कॉल करो, वो ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, तुम जाओ। राधिका मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। विक्रांत तुम समझ क्यों नहीं रहे, तुम जाओ। तुम पागल हो गई हो? मैं परेशान मत हो, तुम कुछ नहीं। मैं नहीं कर सकता विक्रांत। राधिका पागल मत बनो प्लीज, मैं नहीं चले जाओ। जाओ विक्रांत। राधिका तुम पागल हो? जाओ जाओ यार जाओ। विक्रांत आपका नाम? जी। नीलेश के कत्ल के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने नीलेश को नहीं मारा। अरे दोस्त, राधिका ने हमें सब बता दिया है। तुम्हारे और नीलेश के बीच में हाथापाई हुई थी, नीलेश के सर पे चोट के निशान भी मिले हमें। पुलिस स्टेशन चलकर कहना आप जो कुछ भी कहना है। लेकिन आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मेरी बात सुनिए, मैंने नीलेश को नहीं मारा है। वो जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। अरविंद अरेस्ट हिम। लेकिन मेरी बात सुनिए आप। लेकिन इंस्पेक्टर साहब सुनिए, उसने कुछ नहीं किया है। हाँ मनोज बोलो। क्या? ठीक सर, वो नीलेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत सिर पर चोट लगने की वजह से नहीं हुई, बल्कि सफोकेशन दम घुटना बताया गया है। बताइए क्या हुआ था उस दिन, कैसे मारा नीलेश को? ये मेरी बेटी को खा गए इंस्पेक्टर साहब, पूछिए इससे, इसने क्यों मारा मेरे बेटे को? उस दिन जाओ नीलेश, नीलेश, नीलेश उठिए, नीलेश, 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 नीलेश आप ठीक हो? ठीक हो? नहीं यार, के साथ मिलके तब मुझे मारने की कोशिश की। नीलेश, तुम फिर से गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पेट पीछे रंगरलियां मना रही थी ना तू? हाँ सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि तू क्या कर रही थी। नहीं नीलेश, नहीं। मेरे बाप को बताऊंगा, सबको बताऊंगा, और तुझे जान से मार दूंगा। नीलेश क्या कर रहे हो? नीलेश, नीलेश, नीलेश। के साथ जिंदगी से मैं तंग आ गई थी, दम घुटने लगा था मेरा, ना ही वो मुझे छोड़ रहा था और ना ही मुझे चैन से जीने दे रहा था। मैंने गुस्से में मैं नीलेश को मारना नहीं चाहती थी। अंकिता